करने वाले हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ऑलरेडी जैसा कि आप सभी जानते हो हमने सिटिंग अरेंजमेंट के दो सेशन ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं जिसमें हमने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट डन कर लिया था एंड हाँ इसके बाद हमने लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पर डन

डन कर लो और हाँ जैसे कि मैं हर वीडियो में यहां पर हर सेशन में यहाँ पर मैं आप सभी से ये चीज बोलता हूँ हाँ रिविजन कर रहे हो गेसिड प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं ताकि ये चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाए ठीक तो इसी में आ, इसी का जो सेशन है आज हम जो डिस्कस करेंगे कुछ मिसलिनियस टाइप के अरेंजमेंट्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ अलग टाइप के हाँ

ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अलग मैथड यहां पर फॉलो हो रही है वही मैथड फॉलो होगी जो यहां पर हमने सर्कुलर अरेंजमेंट में फॉलो की थी तो गन बनाएंगे यहां पर हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट फेसिंग द सेंटर। तो फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अच्छा इसमें एक कंफ्यूजन uh, होता है सर इसका अपोजिट तो ये होगा नहीं इसका अपोजिट ये होता है इसका अपोजिट ये होता है इसका अपोजिट ये होता है ये चीज आपको ध्यान रखना है राइट यू सिटिंग टू पी अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको रिकॉल करवाऊंगा जो मैथड यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं राइट right? हम हमेशा ये थ्री पॉइंट्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं याद रखना ये थ्री स्टेप को कि क्वेश्चन को हमें अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं करना है राइट एक पॉइंट है बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ पर लेकिन ये थ्री बेसिक है और सेकेंड पॉइंट मैंने आपको जो बताया था वो इंडिकेटर या फिर शॉर्टकट यहाँ पर बना के चलना है थर्ड हमें कहाँ से स्टार्ट करना है जो हंड्रेड परसेंट डेफिनेट पॉइंट होता है जीरो पॉसिबिलिटी वाला जो पॉइंट होता है वहां से हमें स्टार्ट करना था ये मैंने आपको बताया था सो यू वॉज अपोजिट टू पी क्या हम बना सकते हैं कि यू वॉज अपोजिट टू पी बिल्कुल बना सकते हैं लेकिन आगे क्वेश्चन uh, ने क्या बोला है का who who मतलब वो पी की बात कर रहा है who was to the immediate left of R. अब ये थोड़ा सा ज्यादा डेफिनेट पॉइंट कहलाता है तो जब कभी भी सर्कुलर अरेंजमेंट की मैं बात करूं या फिर कुछ इस टाइप से कुछ पैटर्न बनता है तो याद रखना राइट right लेफ्ट वाले पर ज्यादा फोकस करना who was इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर इट मीनस ये आर है और ये आर का immediate लेफ्ट है और यहाँ पे कौन आएगा पी फिर आगे उन्होंने बोला था कि यू वॉज अपोजिट टू पी तो पी का जस्ट अपोजिट कौन हो जाएगा U, और P जो है वो R के immediate left में है। फिर आगे point बोल रहे हैं है वो एस वॉज right U. So, U का राइट राइट right कौन होगा हम देखेंगे यहां पर। पर शायद मैंने आपको ये भी बताया था। अब अगर आप हल्का सा भी हो हो रहे ना तो जस्ट दोनों हैंड्स का यहाँ पर पुट करके देखो ये क्या है राइट right, ये क्या है लेफ्ट सो यू का इमीडिएट राइट right क्या होगा ये और यू का इमीडिएट राइट right कौन बैठा हुआ है दैट इज एस यहाँ पर हमने एस को बना दिया T was exactly between P and S. तो so, ये S है और ये P है और इसके बीच में exactly कौन आएगा T आएगा राइट right? the sitting लोकेशन ऑफ Q? हम जानते हैं Q यहीं पर आएगा तो Q की सिटिंग लोकेशन कौन सी है यहाँ पर हमें ये बताना है तो बस ऑप्शन में जाएंगे अपोजिट टू टी हम देख पा रहे हैं हाँ अपोजिट टू टी है अपोजिट टू आर नहीं अपोजिट टू एस नहीं इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी नहीं है राइट right? हाँ वट इज द लोकेशन ऑफ पी सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल राइट ना क्वेश्चन नंबर सेकेंड की यहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो थोड़ा सा शानदार सा क्वेश्चन है छोटू सा क्वेश्चन है बट हाँ एक अच्छा है मतलब आ, एक एक ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा याद रखना देखने को लगेगा आपको कि हाँ थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है बट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है तो उसे बस केयरफुली रीड करना है आपको सो द क्वेश्चन इज There are five देर आर फाइव क्लासेस and थ्री in a school. They are स्कूल uh, they are one above the मतलब <coughs> उन्होंने क्या बोला bola hai there are five classes. पहले तो to बहुत ही hi करना है एक point यहाँ पे आप note करना जब आप इसे read कर रहे हो तो बहुत ही केयरफुली रीड करना भागना नहीं है आपको आपको समझना है कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सो देर आर फाइव क्लासेस सबसे पहली चीज फाइव क्लासेस क्लियर हुई है उनका नाम यहाँ पर mention कर दिया क्लास वन टू थ्री फोर एंड फाइव राइट दे आर वन द अदर मतलब एक दूसरे के ऊपर है बट अभी अभी क्या आपको क्लियर है आप आपके माइंड में खुद से डिसाइड मत करो कि उनका अरेंजमेंट क्या होगा हमें बस वेट करना होता है जब तक कुछ क्लियर नहीं होता फिर आगे क्या बोला है क्लास वन इज एट द बॉटम एंड देन क्लास टू अब इट एंड सो ऑन इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फाइव क्लासेस कुछ इस तरीके से होने वाली हैं ये होगा क्लास नंबर फाइव फोर थ्री

is displayed at even number class. M2 is displayed at class one. So class one में कौन आएगा M2. अब मुझे बताओ अगर <coughs> आगे चलेंगे M2 जो है वो okay. फिर आगे बोला है M1 is displayed at the class just below M5. तो so M5 के just नीचे कौन आएगा M1 ये क्वेश्चन में बोला हुआ है. अब अगर M5 two पर है, तो इससे फिर कि किस पर होना पड़ेगा 1 पर आया हाँ ना क्या लेकिन ये 1 पर हो पाएगा नहीं इसका मतलब m5 यहाँ नहीं है m5 इवन नंबर पर है तो m5 आ जाएगा यहाँ और फिर m1 यहाँ पर आ जाएगा तो हमारी ये कंडीशन भी डन हो जाएगी और फिर ये वाली कंडीशन भी डन हो जाएगी m4 वीडियो m4 इज नॉट डिस्प्लेड एट इवन नंबर m4 इवन नंबर पर नहीं है तो m4 यहाँ पर होगा

वन के बाद टू विडियोज है यस दिस इज ऑल्सो टू ओनली वन विडियो बिटवीन एम टू एम फाइव एम टू एम फाइव के बीच में टू वीडियो हैं बट क्वेश्चन में बोला है ओनली वन विडियो इट मीनस ये क्या है इनकरेक्ट तो ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे बाकी चेक कर सकते हो एम थ्री एम फाइव के बीच में एम वन है एम वन एम थ्री एम फाइव के बीच में है तो ये भी क्या है ट्रू है हमें क्या बताना था दैट इज नॉट करेक्ट एक ऐसी कंडीशन जो कि करेक्ट नहीं है तो बहुत ही सिंपल सा एक अरेंजमेंट यहाँ पर बन रहा था बहुत ही सिंपल सा अरेंजमेंट आपका बन रहा था ठीक है नॉर्मल तरीके से इसे सॉल्व करना ठीक है दिस इज सेट नाउ अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे थर्ड नंबर का सेट राइट right? और थर्ड नंबर का सेट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फाइव सब्जेक्ट हैं बहुत ही सिंपल तरीके से जाना फाइव सब्जेक्ट एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एंड फाइव राइट नॉट इन द सेम ऑर्डर आर टू बी टॉट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे अच्छा एक मैं हेंड आपको बताऊं ये थोड़ा सा क्लासीफिकेशन बेस्ड अरेजमेंट टाइप का भी है और अरेजमेंट भी है मतलब सिटिंग अरेजमेंट भी है तो जब कभी भी कुछ ऐसे डेफिनेट कंडीशन आती है ना डेफिनेट मेरा कहने का मतलब क्या है जैसे कि यहां पर हम जानते हैं मंडे के बाद ही ट्यूजडे आता है ट्यूजडे के बाद ही वेंसडे आता है वेंसडे के बाद ही थर्सडे आता है ये ये ऑर्डर फिक्स है ये सर नो हा तो अगर इस टाइप की चीजें आती है जैसे मैं ईयर की बात कर लू मैं डे की बात कर लू कि वन के बाद ही टू आता है ऐसा कभी होता है कि वन के बाद आ, कभी फोर आ जाए फिर उसके बाद टू आ जाए नहीं ना ठीक तो ऐसी जब चीजें आती है तो हमेशा टेबल यहीं से आपको बनाना है तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे वन टू थ्री फोर एंड फाइव

तो कि वो यही बोलना चाह रहे हैं कि ओनली एस फाइव भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एस वन के पहले पढ़ाया जाता है और पहले का मतलब होता है ट्यूजडे के पहले ओनली मंडे आएगा एस टू taught बिफोर एस फोर एस फोर के बाद तो ये अलग से बना के लिखेंगे एस फोर के बाद हमें क्या बनाना है पुट करना है एस टू एस टू विल नॉट बी टॉट ऑन वेंसडे तो एस S2 एस uh, टू before बिफोर एस फोर एस टू S4 बिफोर एस फोर सॉरी एस फोर के पहले एस टू आएगा एस डॉट बिफोर एस फोर और फिर एस टू जो है वो वेंसडे को नहीं है अगर वो वेंसडे को नहीं है तो क्या हम इसे फ्राइडे बना सकते हैं नहीं उसके पहले S, उसके बाद S4 बनाना पड़ेगा तो ये बन जाएगा एस टू ये बन जाएगा एस फोर एस वन एस टू तो यहाँ पे कौन आएगा एस थ्री आएगा ये हो गया फाइनल पूरा Which ऑफ द फॉलोइंग pairs ऑफ सब्जेक्ट is आफ्टर after S3? तो S3 के बाद कौन है s2n s4 s2 h4 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा हाँ या ना तो इस टाइप के कुछ मिसलेनियस सेट मैंने यहाँ पर रखे हुए थे आपके लिए राइट आई होप कि इस टाइप के सेट आप कर पाओ लॉजिक वही रहेगा जो मैंने आपको सर्कुलर में बताया है. अगर कुछ ऐसा लीनियर टाइप का आता है तो लॉजिक भी वही रहेगा जो हमने लीनियर में डिस्कस किया हुआ है राइट थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस आपको और करना तो ये चैप्टर आपको बहुत तरी, अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा राइट और इंफॉर्मेशन uh, अगर अच्छी लग रही है हाँ कुछ आप गेन कर रहे हो कुछ नॉलेज अगर आपको मिल रहा है सो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ही थैंक यू